चलो क्लैप क्लैप आप जो कराए क्या बोलते हैं।
ते उमेश सरांनी फोन केलेला ना त्या दिवशी आपण Yeah.
मुझे लगा वही बाय ओके प्लीज देयर Check. Okay. Listen. Next magic very different. अभी जो मैजिक मैं दिखाने वाला हूँ, इस मैजिक को आपने India's Got Talent TV शो पे कई साल पहले देखा होगा. वो मैजिक आप लाइव देखेंगे. आपको ध्यान से देखना इस मैजिक को. बट इस मैजिक को दिखाने के लिए मुझे 500 के नोट चाहिए, जो मैजिक होने के बाद आपको डेफिनेटली वापस मिल जाएंगे. एंड डोंट वरी, गायब नहीं होगा, डबल भी नहीं मिलेगा. एनीवन एनीबॉडी है किसी के पास कोई 500 के नोट? ओनली वन. ओके, इस नोट को लेकर आपको स्टेज पे आना है. सभी को ध्यान से देखना इस मैजिक को. इस मैजिक को आपने India's Got Talent पे देखा होगा, टीवी शो पे. या मैम एंड प्लीज क्लैप. या 500 आपसे लेने का रीजन क्या है मैं बताना चाहूंगा आपको. 500 मेरे भी पास है, बट मैजिक होने के बाद आपको ऐसा फील ना हो कि मैजिक से ने अपने पॉकेट से निकाला होगा. इसलिए मैं अपने पॉकेट में हाथ नहीं डालूंगा. और सभी ऑडियंस देख रही है, मेरा हाथ खाली है. यस सर नो एम्प्टी? ओके मैम, आप बहुत ही नजदीक हो, गौर से देखिए. मेरा हाथ खाली है, ओनली रिंग के अलावा और कुछ है? ओके अगर इस मैजिक के लिए मैं यूज करने वाला हूं तो ओनली सिर्फ अपना ग्लास जो आप देख रहे हैं. मैम इस ग्लास को राइट हैंड में आपको ऐसे पकड़ कर रखना है. ओके एंड वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 500 के नोट मैम के हाथ में रहेंगे. और इनके हाथ में से नोट गायब होके कहां पे जा रहे हैं जो मुझे बताएगा, ये 500 मैं उसे गिफ्ट में दे दूंगा. तो चाहिए ना सभी को? ओके तो सभी को ध्यान से देखना है. बट वेट वेट, ऑडियंस बहुत ज्यादा है. मैम 2000 के हैं? 2000 के हैं? नहीं, चलो जान दो, हम लोग 500 से ही काम चला लेते हैं आज. 500 ही? नहीं नहीं, वो नहीं चाहिए मुझे. 2000 के एक चाहिए थे, तो मैं सोचा चलो 2000 से मैं थोड़ा सा और डबल टिबल करूंगा. ओके ठीक है, कोई बात नहीं. तो ठीक है, देखते हैं क्या मैजिक होता है. या म्यूजिक देखिए.
फिश मैन यस सर नो यस आप देख सकते रियल गोल्ड फिश एंड थ्री नहीं बच्चों को नहीं अभी मैं बड़ों में से किसी को बुलाना चाहता हूँ आप ओके यार प्लीज कम वेलकम ओके मैं अगर मैजिशियन किसी को बुलाए तो सब आने से डरते पहली बार बट आपने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में बोला कि हाँ मुझे आना है तो ठीक ओके बहुत अच्छी बात है डरने भी नहीं चाहिए तो ठीक है मैं काफी टाइम से मैजिक दिखा रहा हूँ सभी ऑडियंस को मैं चाहता हूँ कि सभी को एक मैजिक आप दिखाएंगे वाओ प्लीज क्लैप डेफिनेटली इसके लिए क्लैप बनता ही है इन्होंने हाँ बोला है हाँ बोला तो डेफिनेटली क्लैप तो है इनके लिए ओके तो मैम आप क्या चाहते दिखाएंगे बताइए ओके या लुक हियर व्हाट इज दिस मैजिक स्टिक अगर आपके हाथ में हो तो डेफिनेटली जादू होना ही है सिर्फ आपको इसे यूज करने का तरीका मालूम होना चाहिए आपको करना क्या है इन सभी ऑडियंस के ऊपर बच्चों को छोड़कर जितने भी बड़े लोग हैं सभी के ऊपर इसे राउंड करके बोलना है आबरा का डाबरा गिली गिली इतना बोलने के बाद आप इस मैजिक स्टिक को जिसकी तरफ दिखा देंगे वो गायब हो जाएगा बोलिए किसे गायब करना चाहती है बच्चों को तो नहीं कहाँ पे है कहाँ पे अच्छा अच्छा इसीलिए बहुत ही जोश के साथ में बोल रहे हैं ओके ठीक है ऐसा हो सकता है बट मैं ऐसा करूंगा नहीं यहाँ पे तो मैम आप जो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या किया जाए किसे गायब किया जाए तो ठीक है हम किसी को गायब नहीं करेंगे बट सभी ऑडियंस को एक प्यारा सा जादू जरूर दिखाएंगे ओके बट इस मैजिक को होने के बाद आपको जोर से क्लैप करना है क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर पीसी सरकार का बनाया हुआ जादू है तो प्लीज आपको क्लैप तो करना ही पड़ेगा और ये मैजिक ही ऐसा है कि इस मैजिक को देखने के बाद आपकी आंखें बिलीव नहीं करेंगी कि ऐसा भी मैजिक होता है ओके लुक हियर व्हाट इज दिस बोर्ड प्रिंट यस सर नो ओके आप इसे टच करके देख सकते हैं मैम ओनली प्रिंट है इस मैजिक स्टिक को इसके तरफ राउंड करके बोलना है पता है ना या लिसन बोलिए आबरा का डाबरा गिली गिली छू वाओ सुपर मैम आपने बहुत अच्छा बोला है बहुत ही प्रॉपर बोला आपने मुझे ये सीखने में 2 साल लगे थे आज आपने पहले दिन में बोल दिया बहुत अच्छी बात है मुझे ऐसा लग रहा है आप भी मैजिशियन ही है ओके ओके इस पार्टी में यहाँ पे जो ये प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे 2 मैजिशियन आए हुए हैं एक तो मैं हूँ दूसरे जिनको आप देख रहे हैं मेरे बाजू में ओके अच्छा आपके हस्बैंड आए ओके मैं उनको बोल सकता था वो बहुत ही लकी है कि उनको आप जैसी ओके 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 या ओके तो देखते हैं क्या होगा